हेलो गाइस, वेलकम टू आईक्यू प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने 2 को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा था, ठीक वैसे ही आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश में सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, 21-22 के टर्म में भारत को सबसे अधिक FDI कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो वो है आपका सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर से प्राप्त हुआ था। लगभग ई FDI कितना था दोस्तों, तो ये 83.57 बिलियन डॉलर था दोस्तों, है ना, 83.57 बिलियन डॉलर, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले कि भारत में सबसे अधिक FDI कहाँ से प्राप्त हुआ, किस स्टेट से प्राप्त हुआ दोस्तों, तो वो है दोस्तों कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ भारत के स्टेट में। और आपका अगर वर्ल्ड लेवल पे हमने बात करी कि सिंगापुर था एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन था दोस्तों, तो वह है अमेरिका, और तीसरे नंबर पे मॉरिशस। याद रखिएगा दोस्तों, है ना, अमेरिका और मॉरिशस, ये 2 और 3 नंबर पे रहे हैं, है ना। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो दोस्तों, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बन गया है दोस्तों। कौन सा? इक्वाडोर बन गया है दोस्तों, जिसकी राजधानी क्विटो है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा क्विटो। चलिए, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है, एक जिला एक शिल्प। तो दोस्तों, ये कौन सा राज्य है, तो वो है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, एक जिला एक शिल्प मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। और यहीं एक जिला एक उत्पाद, ये किसने स्टार्ट किया है दोस्तों, तो एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। ये है एक जिला एक शिल्प के लिए, मैं थोड़ा सा इसको कर दे रहा हूँ, एक जिला एक शिल्प के लिए आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, और एक जिला एक उत्पाद जो है वो, एक उत्पाद जो है वो उत्तर प्रदेश का है ना, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों, वो है चिनाब नदी, आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो ये है 467 मीटर, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई, अगर वही हम लोग नदी तल से इसकी बात करें ऊंचाई की, तो ये हो जाता है 359 मीटर दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, नदी तल से। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो लोकतंत्र सूचकांक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें भारत का स्थान 46वां रहा था दोस्तों, है ना, 2021 के अकॉर्डिंग। अगर वही हम लोग बात करें कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे नॉर्वे रहा है दोस्तों, है ना, नॉर्वे। दूसरे पे न्यूजीलैंड रहा था दोस्तों। तीसरे नंबर पे फिनलैंड, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। एक नंबर पे नॉर्वे, 2 नंबर पे न्यूजीलैंड, और 3 नंबर पे फिनलैंड, याद रखिएगा दोस्तों। और 46वें नंबर पे अपना देश। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विद्युत उत्पादन के अगर मामले में बात की जाए, तो पहले स्थान पे आपका कौन सा आता है दोस्तों, अमेरिका, फिर चीन आता है, है ना, उसके बाद आपका भारत आता है दोस्तों, याद रखिएगा, अमेरिका चीन के बाद भारत आता है तीसरे स्थान पे। अगर इसकी उत्पादन क्षमता की बात की जाए दोस्तों, तो ये 61.5% आपका अकेले आता है कहाँ से, ये जल विद्युत ऊर्जा से 12.2% आता है, ये 61.5% आता है तापीय ऊर्जा से दोस्तों, है ना, थर्मल पावर प्लांट से तापीय ऊर्जा से आता है, और ये आता है आपका जल विद्युत ऊर्जा से, और नाभिकीय क्षेत्र से आता है आपका कितना, 1.8%, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए, और नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा से, जो कि अभी के समय में बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा है, तो इससे आ जाता है 24.5% दोस्तों, है ना, जो कि अपने देश में 2 नंबर पर यहीं से आता है सबसे अधिक, मतलब विद्युत का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। एक नंबर पे होगा तापीय ऊर्जा से सबसे अधिक, दूसरे नंबर पे नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा, जिसको सरकार भी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है इस पे, है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी था, पता ही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है, आपको पता ही है। और ये किसके स्थान पर बनी है दोस्तों, तो ये JB महापात्र के स्थान पे बनी है, याद रखिएगा, JB महापात्र, है ना, JB महापात्र के स्थान पे इनको बनाया गया है दोस्तों। चलिए,
6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है दोस्तों? तो वह है मिताली राज, याद रखिएगा दोस्तों, है ना, मिताली राज। अगर वही बात कर ले हम लोग पुरुषों के क्षेत्र में, तो पुरुषों में दोस्तों आपके सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे भारत से, और एक पाकिस्तान से है दोस्तों जिनका नाम है जावेद मियांदाद, है ना, जावेद मियांदाद, वो भी 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर, जावेद मियांदाद जो कि पाकिस्तान से है, और आपकी मिताली राज तो हो ही गई, 2000 से ये लगातार खेल रही थी दोस्तों, है ना, 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022 का वर्ल्ड कप इन्होंने खेल लिया है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो दोस्तों मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा रहा है दोस्तों, है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो सब्जी उत्पादन में भी बिहार का स्थान तीसरा है दोस्तों, है ना, सब्जी उत्पादन में। तो पहले स्थान पे किस एरिया में है दोस्तों? तो ये लीची और मखाना के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पे है दोस्तों, याद रखिएगा, लीची और मखाने के उत्पादन में, है ना। चलिए, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है? तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? तो वो करता है UNFPA, ऐसा रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर हम लोग बात करें UNFPA की फुल फॉर्म की, तो ये हो जाता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन, है ना, फंड फॉर पॉपुलेशन, याद रखिएगा, पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस नोटिस कीजिएगा, है ना, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख भी देना चाहूँगा, यूनाइटेड नेशन फॉर फंड, सॉरी फंड, मैं थोड़ा सा इसको वो करूँ, फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, है ना, याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका हो जाता है UNFPA, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर में वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या होगा? तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है दोस्तों? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी फोर्स एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो मतलब कि या तो दोनों एक दूसरे से टकराए तो दोनों पे फोर्स जो लगेगा ना एक दूसरे के लिए तो बराबर लगेगा दोस्तों, है ना, यही न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वो पंछी है तो ऐसा कुछ करके नहीं, है ना। चलिए, द्रव्यमान 400 केजी के बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है और वेग दिया हुआ है, और आपका संवेग पूछ रहा है। बंदूक से निकली हुई गोली का वेग जो है वो 0.25 मीटर पर सेकेंड है, और उस बंदूक का द्रव्यमान है 400 केजी का, है ना, और उसका संवेग पूछ रहा है बंदूक की, है ना। देखो दोस्तों, संवेग एक्चुअली होता क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही तो होता है। जो संवेग होता है आपको याद होगा क्या होता है, द्रव्यमान और गुने वेग, इसी का तो गुणनफल होता है। तो हमें द्रव्यमान और वेग पता है तो इजीली यहाँ पर रख के फाइंड आउट कर लेंगे ना। तो देखिए दोस्तों करते हैं, चलिए सबसे पहले द्रव्यमान 400 दिया हुआ है और इसका वेग कितना दिया है 0.25 मीटर पर सेकेंड, है ना, 0.25 दिया हुआ है। तो इस 0.25 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं क्या, 1/4 लिख सकते हैं ना 0.25 को इजीली, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर 1/100 होता है, अगर 0.25 को यहाँ से दशमलव हटाना है तो नीचे दो जीरो से क्या करना होता है, डिवाइड देना होता है ना, तो नीचे हमने दो जीरो से डिवाइड किया तो 1/100 आया। अब 1/100 को क्या कर सकते हैं हम लोग, इजीली 0.25 कर सकते हैं ना इसको, या फिर 1/4 लिख सकते हैं ना, 2500 के 100, है ना। तो इस तरह से आपको 1/4 लिखा जा सकता है ना, याद रखिएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसको कर सकते हो। अब 1/4 हमने इसको लिख दिया 0.25 को, इस पूरे सिनेरियो को मैंने इतना लिख दिया 1/4, और यहाँ से 4 से देखो
एक कट गया ना, तो ये कितना है 100 हो गए। अब ये ऊपर 100 हो गए ना, तो अब 100 देखो 100 केजी मीटर पर सेकेंड कहाँ है ऑप्शन में, 100 केजी मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ देखो इसका तो आपका केजी है ना, ये 400 का क्या है यूनिट केजी है, और ये 0.25 का क्या है मीटर पर सेकेंड है, तो आपका यूनिट सेम यही रहेगा, दूसरा कोई यूनिट नहीं आएगा, यूनिट में ही प्रॉब्लम होनी है ना, क्योंकि ऑप्शन तो 103 में दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलो देख लेते हैं फिर क्या है। 100 मीटर पर सेकेंड किसका है, 100 केजी मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न देखते थे। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, मतलब कि डायरेक्ट जो निर्भर होता है जड़त्व वो किसी वस्तु का, वो किस पे होता है, तो दोस्तों वो होता है द्रव्यमान पर। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्यमान पे होती है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। और आपको पता ही जड़त्व का नियम जो है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ही कहता है, अगर कोई वस्तु एक जगह पर है तो वही जगह पर रहनी चाहेगी, विराम में है तो विराम में ही रहनी चाहेगी, जब तक से दूसरा कोई एक्स्ट्रा फोर्स उस पर ना अप्लाई हो, याद रखिएगा। चलिए, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ एक से हमेशा कम होगा, तो दोस्तों एक से हमेशा कम होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें आयास आलंब और भार के बीच में ही होना चाहिए, तभी वो कम होगा ना। जो आयास होगा उसका और आलंब होगा और उसके भार, वो तीनों बीच के बीच में होना चाहिए, है ना उत्तोलक। और अगर कम होगा एक से तो फिर क्या होगा, लाभ अगर यांत्रिक लाभ अगर उसका एक से कम होता है अगर उत्तोलक का, तो क्या होगा वो तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक होगा दोस्तों। कौन सी श्रेणी का होगा, तृतीयक उत्तोलक श्रेणी का होगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन सा है दोस्तों, तो किसान का हल हो जाता है, मनुष्य का हाथ हो जाता है, बंसी हो जाता है जो हम लोग मछली मारते हैं, चाकू हो गया, झाड़ू हो गया, ये सभी की सभी एग्जाम्पल जो है वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है, याद रखिएगा। तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, तो मैक्स प्लैंक थे, याद रखिएगा। चलिए, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, एक अर्धचालन में विद्युत चालन क्या होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है ना, विद्युत चालन जो होता है इलेक्ट्रॉन और होल का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में ही तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन अगर इधर के साइड मूव कर रही है ना तो इलेक्ट्रिसिटी इस साइड मूव करेगी, याद रखिएगा दोस्तों ना, इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी इस साइड मूव करेगी करंट, ये होल का दिशा हो जाता है दोस्तों, है ना, होल का आपको पता होना चाहिए, होल की दिशा में क्या होगी इलेक्ट्रॉन मूव करेगी, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फ्लो करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदली जा सकती है, तो दोस्तों देखिए एक्चुअली ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों होता है, वोल्टेज को कम बेसी करने के लिए, करंट को कम बेसी करने के लिए, है ना, उसका आवृत्ति कभी नहीं बदलता दोस्तों, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा। चलिए, जब सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, आप देखते होंगे दोस्तों कभी कभी बारिश के दिनों में क्या होता है एक्चुअली, कि कभी अगर गाड़ी गई होती है रोड पे तो थोड़ा उसका ऑयल कभी गिर गया होता है, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक रंगीन कलर का दिखाई पड़ता है ना, एकदम चमचमाता हुआ रोड पे, मैक्सिमम हम लोग ये ऐसा देखते हैं, ऑब्जर्व करते भी हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो वो होता है व्यक्तिकरण के कारण, है ना, याद रखिएगा, व्यक्तिकरण के कारण होता है एक्चुअली, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टॉयलिन एंजाइम का स्रोत क्या है, टॉयलिन देखिए दोस्तों ये टॉयलिन कहाँ होता है, तो हमारा जो लार्वा होता है ना दोस्तों, स्लाइवा जो होता है हम लोग का, जो लार होता है मनुष्य जो हम लोग खाते हैं, तो एक लार होता है ना जो कि खाने में क्या होता है मिल जाता है, जीभ पे होता है ना, जिसको हम लोग लार बोलते हैं स्लाइवा, उसमें एक्चुअली 99% आपको पता ही कि वाटर कंटेंट करता है वो 99%, लेकिन 1% उसके पास एंजाइम होता है, और उस एंजाइम 1% में टॉयलिन और लाइजोसोम्स होता है, लाइजोजाइम होता है एक्चुअली में, टॉयलिन और लाइजोजाइम होता है, और टॉयलिन का काम क्या होता है एक्चुअली, तो जो हमारा स्टॉक होता है ना स्टार्च, जो हम लोग फूड खाते हैं, तो जो स्टार्च होता है ना उसको मल्टोज में परिवर्तित कर देता है, शर्करा में क्या करता है एक्सचेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है ना, यही इसका काम होता है टॉयलिन का। लेकिन हम लोग लाइजोजाइम का बात करें तो यह क्या करता है एक्चुअली, तो जो भी हमारे खाने में फूड में क्या होता है कोई हानिकारक जीवाणु होते हैं तो उसको वो नष्ट करता है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो हमारे जो स्लाइवा होता है हमारे मुंह में उसका भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है ना दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली लार ग्रंथिया हो जाएगी।
चलिए, ये क्योंकि टॉयलिन जो है वो लार ग्रंथि में ही पाया जाता है, एंजाइम है उसका एक। चलिए, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो हेलोटिज्म कहलाते हैं, हेलोटिज्म है ना, याद रखिएगा दोस्तों, हेलोटिज्म कहलाते हैं। चलिए, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में दोस्तों, है ना, तो कोशिका एक्चुअली क्या होता है? कोशिका आपको पता ही है कि वो जितने भी बॉडी होते हैं ना, सब में लगभग एक ही टाइप के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं ना, तो सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है दोस्तों? तो वो हो जाएगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी, क्योंकि कोशिका भित्ति की विषाणु में नहीं पाई जाती है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। बाकी डीएनए आरएनए तो होता ही है, पर कोशिका के भीतर प्रजनन भी होता है, जो स्वभाव में पूरी तरह परजीवी ऐसा टाइप वो उन लोगों का नेचर भी होता है। ट्रोकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है, वो किसके द्वारा होता है? ट्रोकोमा दोस्तों, जो ट्रोकोमा होता है ना, वो जीवाणु के द्वारा होता है, याद रखिएगा, जीवाणु के द्वारा होता है। निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? देखते हैं दोस्तों कौन सा एक सही कथन नहीं है। तो देखिए, टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सेब का लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है। लाल मिर्ची के लाल होने का कारण कैप्सेसिन होता है। कैरिकाजेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है, याद रखिएगा दोस्तों, कैरिकाजेंथिन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैरिकाजेंथिन, है ना, कैरिकाजेंथिन के कारण क्या होता है? पपीते का जो रंग होता है वो पीला होता है दोस्तों, कैरिकाजेंथिन के कारण। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित सही है? देखते हैं दोस्तों कौन सा सही है। तो यहाँ देख रहे हैं हम, एपिकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, पोमोलॉजी खेतों फलों की खेती होती है, जेरोटोलॉजी वृद्ध व्यक्ति का अध्ययन होता है, इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे सभी के सभी सही सुमेलित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। पोषवा फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम एक्चुअली दोस्तों क्या होता है? फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम आपने पढ़ा ही होगा। जाइलम एक्चुअली जल और खनिज क्या करता है? पहुंचाता है पौधे के ऊपरी भाग को, है ना। लेकिन वही अगर फ्लोएम की बात की जाए तो ये क्या होता है दोस्तों? तो ये फूड, जो संश्लेषण से जो उत्पाद बनता है ना, जो उत्पादन होता है ना पौधे करते हैं, तो वो हरे भाग से क्या करता है? दूसरे जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होती है उस बिंदु का नाम क्या है? तो दोस्तों उस बिंदु का नाम है आपका सेंट्रोमियर, है ना, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर उसका नाम है दोस्तों। एक्चुअली क्या है कि जो सेंट्रोमियर का गुणसूत्र का आकार होता है ना, वो निश्चित ही करता है एक्चुअली, है ना, निश्चय करता है। और वही अगर हम लोग बात कर ले आपका गुणसूत्र में, अगर क्रोमेटिक गेस क्या होता है एक्चुअली, तो जिस बिंदु पर संलग्न होता है उसको सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त में पोषण प्राप्त होता है। तो भ्रूण को किस ऊतक के सहायता से माँ के रक्त से उसको पोषण प्राप्त होता है दोस्तों? जैसा कि आपको पता ही है कि 9 महीने गर्भ में रहता है बच्चा, तो उसको खाना तो चाहिए, वो फूड तो चाहिए होगा ना जीने के लिए, तो वो माँ की जो रक्त होता है ना, उस ब्लड के हेल्प से ही उसको प्राप्त होता है ये सारी चीज़ें। तो वो दोस्तों कैसे होता है? तो वो होता है आपका किसके कारण दोस्तों? तो वो होता है गर्भनाल के कारण, आपको पता है गर्भनाल से उसको प्राप्त होता है ये चीज़ें, है ना, गर्भनाल की सहायता से ही क्या होता है, माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है उसको। चलिए, अगर भ्रूण को पोषण जरायु और अपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है पोषण, है ना, याद रखिएगा, जरायु और अपरा द्वारा, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर वॉक्स, ब्लू वॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है दोस्तों। तो ये संबंध है आपका WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, 1995 को हुई थी, 1 जनवरी 1995 को हुई थी दोस्तों, है ना। विश्व व्यापार संगठन, याद रखिएगा दोस्तों। तारापुर समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तारापुर समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो यह मुद्रा की पूर्ण परिवर्तना से दोस्तों, है ना, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से, है ना, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तना से संबंधित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस समिति की सिफारिश पर अगला प्रश्न है,
किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के लिए 1993-94 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर R.N. Malhotra की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। R.N. Malhotra की अध्यक्षता में दोस्तों, है ना, एक समिति का गठन किया गया जिसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA जिसको बोला जाता है IRDA, है ना, की स्थापना 1999 में की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा 1999 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? यह है डॉक्टर YV रेड्डी समिति, है ना, याद रखिएगा दोस्तों, इन्हीं से संबंधित है। एक्चुअली 1998 की बात है, 1998 में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन के लिए एक सुझाव देने के लिए RBI की ये गवर्नर रह चुके हैं पहले, तो डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में ही समिति की गठन की गई थी दोस्तों, ना। चलिए अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? अंत्योदय अन्न योजना को दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना को दोस्तों 2000 में लागू किया गया था, याद रखिए कब, 2000 में। ये अंत्योदय हो जाएगा यहाँ पे, अंत्योदय अन्न योजना को, है ना, 2000 में लागू किया गया था दोस्तों। चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही सुनना है ना, तो सबसे पहले तो आप इसके मतलब इस वर्ड को देखिए। आप इस वर्ड में ऐसा कोई ऐसा वर्ड होगा क्या, इस वर्ड में कोई ऐसा लेटर होगा जो इसमें ना हो, इस सब में ना हो, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। जो इसके लेटर के अलावा किसी दूसरे लेटर का यूज़ करके बना हो तो उसी को हम लोग यहाँ पे खोजेंगे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो सबसे पहला ही वर्ड है TIRED, TIR तो आपको इसमें दिख रहा है लेकिन ई के बाद डी नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि इसमें जो डी है वो कहीं भी इसमें डी नहीं है दोस्तों। चलिए बहुत ईजी प्रश्न है, इसको भी हम लोग देख लेंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों AB, ए के बाद सी है तो सी के बाद डी आ जाएगा दोस्तों, है ना, उसके बाद फिर BD, उसके बाद ई आ जाएगा दोस्तों, फिर देखिए BDE के बाद CE तो F आ जाएगा दोस्तों, फिर देखिए DF तो फिर G आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा DEFG हो जाएगा, DEFG किस में है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो कौन सी है दोस्तों अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैग्नीशियम, याद रखिएगा दोस्तों, ना, मैग्नीशियम होता है दोस्तों, है ना, मैग्नीशियम जो कि क्या करता है अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है दोस्तों, अलग करता है। चलिए नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं, तो ऐसा कैसे किया जा सकता है दोस्तों? तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जा सकता है ना। चलिए प्रोटॉन पर आवेश होते हैं, प्रोटॉन पर कौन से आवेश होते हैं दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है प्रोटॉन पे आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे का विपरीत होते हैं, तो प्रोटॉन पे एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा दोस्तों, है ना, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आण्विक भार समान होते हैं दोस्तों? तो ये तुल्यांकित भार और आण्विक भार दोनों समान होते हैं आपके किसके दोस्तों? तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, NaCl का दोस्तों, है ना, यहाँ पे Na सोडियम, Cl क्लोराइड, जिसकी संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? एक होती है ना, याद रखिएगा। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो ये दोस्तों होता है मंद ऑक्सीकरण के कारण, है ना, मंद ऑक्सीकरण के कारण होता है दोस्तों। ये वायु में क्या होता है, क्रियाशील हो जाता है, वायु के जो ऑक्सीजन होते हैं उसके साथ मंद गति से अभिक्रिया कर लेता है और फिर ये दीप्त हो जाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है दोस्तों? तो उसमें रासायनिक ऊर्जा से होता है, आपको पता ही है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा होती है क्योंकि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है ना, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ तो केमिकल होता है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया ही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है दोस्तों? यहाँ देख लेते हैं हम लोग कौन सा युग्म सुमेलित है दोस्तों। तो ये जिंक फॉस्फाइड है दोस्तों, वो चूहे का विष है एक्चुअली में। चलिए बाकी सब गलत है दोस्तों। चलिए जो आपका यहाँ पे
हॉर्न सिल्वर है दोस्तों, ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड एक्चुअली में, तो ये सिल्वर आयोडाइड लिखा हुआ है तो बिल्कुल नहीं होगा, दो नंबर हो जाएगा। और कृत्रिम वर्षा जो है दोस्तों ये होता है सिल्वर आयोडाइड से, तो ये आपस में क्रॉस कर जाएंगे दोस्तों। और नीचे एक जिंक सल्फाइड है दोस्तों, ये होता है फिलोसोफर वूल से, है ना, फिलोसोफर वूल से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देखते हैं दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों, कार्बन व्यापार जो है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यही आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, है ना। कार्बन व्यापार एक्चुअली में क्यूटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का कार्योजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो किस जलवायु परिवर्तन का कार्योजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो आइस कोर होता है एक्चुअली में, है ना, याद रखिएगा, आइस कोर होता है एक्चुअली में। किसी ग्लेशियर या बर्फ के फटने से जो छेद प्राप्त होता है ना, उसमें जो छेद बन जाता है ना, वो एक बेलनाकार नमूना होता है। और आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख होता है दोस्तों, ना, याद रखिएगा। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो दोस्तों ये लागू किया गया था 1974 में। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे बनी होती है किससे, तो दोस्तों वो बनी होती है पॉलीमर से, इसी वजह से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है दोस्तों, है ना। तो पॉलीमर का जो होता है, पॉलीमर एक्चुअली किसका बहुलक होता है दोस्तों, तो ये होता है पॉलीथीन और एथिलीन का बहुलक होता है दोस्तों, है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, तो ये किया गया मैनचेस्टर में, याद रखिएगा दोस्तों, ना, ये एक्चुअली इंग्लैंड में पड़ता है मैनचेस्टर। चलिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, आपको पता ही होगा। चलिए, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों फेडरेशन कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे नेहरू कप की बात की जाए तो आपका बास्केटबॉल से संबंधित है दोस्तों, है ना, ये भी बता देते हैं। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक न्यूटन है दोस्तों, न्यूटन। चलिए, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, फिर आपका ध्यानचंद पुरस्कार। खेल प्रशिक्षण में एक्चुअली आपका दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, आपको पता ही होगा दोस्तों। और प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक्चुअली में तो ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार एक्चुअली आपका। बाकी आ जाता है खेल क्षेत्र में पुरस्कार के लिए आपका, तो अर्जुन पुरस्कार भी होता है, सराहनीय पुरस्कार के लिए राजीव गांधी पुरस्कार होता है दोस्तों। ध्यानचंद पुरस्कार किसके लिए होता है, तो जीवन भर उपलब्धियों के लिए खेल में ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है दोस्तों, आपको पता ही है। चलिए, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों ओपेक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो आपको बताइए दोस्तों कि ओपेक का मुख्यालय वियना में है, है ना। एक्चुअली यहाँ पे जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से परिवर्तित कर दिया गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है, तो दोस्तों ये कौन सा माना जाता है, ये अहिंसा, क्योंकि गांधी जी थे तो अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे दोस्तों, अपोजिट थे, ना। 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने करी थी, तो दोस्तों वो करी थी महादेव गोविंद रनाडे, है ना, एमजी रनाडे इन्होंने ही, और इनके साथ गणेश वासुदेव जोशी दोनों मिलके पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना करी थी इन्होंने, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जानी है। हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था, तो हर एक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था दोस्तों, तो वो थे अजात शत्रु। निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी, तो किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी दोस्तों, तो हो जाएगा मगध की, है ना, गणतंत्रात्मक नहीं थी, है ना। चलिए, सर टॉमस रो और हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो दोस्तों सर टॉमस रो और हॉकिंस किसके शासनकाल में आए थे दोस्तों, तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। एक्चुअली जब फॉर्मेशन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो समय था आपका 1600, और उस समय अकबर हुआ करते थे, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, जिसके वजह से जहांगीर को गद्दी पर बैठना होता है, तो जहांगीर के शासनकाल में ये 1607 में आए थे दोस्तों, है ना। और ये जो टॉमस रॉय थे वो 1615 में आए थे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए,
अगले प्रश्न पे आते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? दोस्तों ये 1940 में किया गया था दोस्तों, है ना। और इसके अध्यक्ष पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों, अगस्त मोहम्मद अली जिन्ना। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो दोस्तों ये अछूतों के लिए बनाया गया था, आपको पता ही है, यही सबसे बड़ा लफड़ा हो गया था दोस्तों, अछूतों के लिए जो बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ करी थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ करी थी दोस्तों, है ना। ये आपका 1790-92 के समय का है दोस्तों, 92 के समय में एक्चुअली हुआ था। फिर आपका 99 में तो एक्चुअली इनकी मौत ही हो गई थी टीपू सुल्तान की, बेलेजली की सहायक संधि आई थी उस समय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी थी दोस्तों। विश्व ग्लोबल का निर्माता है, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है दोस्तों? तो ये मार्टिन बैहम थे, है ना, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम थे। वही अगर विश्व मानचित्र की बात की जाए तो वो दोस्तों अनेकजी मेंडर है ना, अनेकजी मेंडर कौन से दोस्तों? विश्व मानचित्र किए थे, है ना। अगर वही हम लोग विश्व ग्लोब की बात करें तो मार्टिन बैहम थे। केटियस जो थे दोस्तों भूगोल के जनक माने जाते हैं, केटियस, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है कब? तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी को, पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक 3 जनवरी को होती है दोस्तों, है ना, सबसे निकट होती है। और ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये उपसौर कहा जाता है ऐसी स्थिति को, है ना। पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है, एक उपसौर एक अपसौर, है ना, ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो ऐसी जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो वो टाइम होता है 4 जुलाई का, आपको पता होना चाहिए, और सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी का, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अपसादी चट्टान नहीं है? अपसादी चट्टान कौन नहीं है दोस्तों? तो क्वार्ट्जाइट जो है वो दोस्तों अपसारी तरंग नहीं है, क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्जाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपका देखिए बलुए चट्टान होती है क्वार्ट्जाइट ही। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें, सेल होता है, सेल स्लेट होता है, चूना पत्थर होता है, संगमरमर एक्चुअली, फिर लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट कोयला जो कि कोयला एंथ्रोसाइट होता है ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो वो एस तरंग है दोस्तों जो कि केवल ठोस से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग करता है? अलास्का को रूस से कौन अलग करता है दोस्तों? तो होता है बेरिंग, है ना, बेरिंग दोस्तों, याद रखिएगा। एक्चुअली जो बेरिंग जल डमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग करता है, अलास्का मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोस्तों, है ना, रूस से अलग करता है। चलिए, म्यांमार से लगा सबसे लंबा समृद्ध राज्य कौन सा है? म्यांमार से सबसे सटा हुआ समृद्ध राज्य कौन सा है दोस्तों? तो है अरुणाचल प्रदेश, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। चलो आगे देख लेते हैं दोस्तों, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों, सुबनसिरी, है ना। इसकी मानस भी सहायक ही नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा झील केरल में नहीं है। तो एक्चुअली बेम्बॉनर्ड, अष्टमुद्दी, फिर पेरियार और पुलिकट। दोस्तों यहाँ पे जो पुलिकट हो जाएगा वो केरल की झील नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली कहाँ की है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा तीनों के तीनों केरल की झील है दोस्तों, है ना। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों पंचायती राज जो है वो इसमें से सभी का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपका के एम मुंशी, बी जी खेड़, एस सी छांगला और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी ने करा था दोस्तों, है ना,
एक्चुअली बीजे खेर ने इसकी अध्यक्षता करी थी दोस्तों, याद रखिएगा बीजे खेर ने, है ना। और ये उस समय के प्रधान जो थे दोस्तों, मतलब कि उस समय के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों, ये 1995 की बात है, सॉरी 1955 की, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बीबी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था, जिसमें 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा था, है ना, 1956 में एक्चुअली ये सौंपा था एक्चुअली, है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? तो कौन सा अधिकार मत देने का अधिकार है दोस्तों? तो ये वैधानिक अधिकार है एक्चुअली में, मत देने का अधिकार। चलिए, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोहरा समिति किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है राजनेताओं और अपराधियों के संघ सांठगांठ से संबंधित, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। एक्चुअली इनके भी जांच के लिए 1993 में इसको किया गया था ना, 1993 में एक्चुअली इसकी गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किससे किसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो दोस्तों ये किसमें की गई है? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में की गई दोस्तों, है ना, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में किया गया है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार में मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा, है ना, राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक या 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो अनुच्छेद 70 है दोस्तों, इसी के तहत 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि अनुच्छेद 171 का एक के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई से भी अधिक नहीं होगी, ऐसा इसमें भी बताया गया है ना, लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी क्लियर मेंशन है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा इसको भी, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। किसी संविधान सभा संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो कौन सा ऐसा अधिनियम है दोस्तों जिसके तहत इसको अधिकार दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है दोस्तों, याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन है 1978 का, जिसमें राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है इनके पास, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।